पार्टी शुरू हुई है ये पावर बी आई से बहुत आसान है। जी, शुक्रिया आपका। मान ली आसान की बात। ये आसान नहीं है, ये मैं सिखा आसान रहा हूं। आप YouTube देखेंगे तकरीबन ये भी सही जितने स्टेप आपने कह किए ना, रहे हो। जितने स्टेप आपने किए ना, इतने स्टेप के लिए आपको कम से कम 8 घंटे की वीडियो देखनी पड़नी। अग्रीड अग्रीड। दो चीजें हो गई जी, अब कोई जवाब तो दो। जी 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 हो गई। फिर इसकी कॉपी बनाए और फिर एक टेबल बना ले, नीचे नीचे रख ले टेबल। शर्जील दाऊद हुआ कि नहीं? नहीं पीछे ही अभी हो रहा है। हाँ पीछे ना रह जाना, मुझे साथ बताया, बोला तो करो, फिर पता तो लगे हुआ कि नहीं हुआ। मेरा फेवरेट काम कर रहे हैं आप, कॉपी पेस्ट वाला। 30, हाँ जी 30। अभी आगे तो जिंदगी आसान होना शुरू। आगे तीसरी जो चीज है मैं चेंज करने लगा हूँ, प्राइस से। मैंने ऑर्डर आईडी डिलीट कर दिया और प्राइस को ले लिए सम कर दिया। ये हामिद बोला था? हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा अभी तो असल में यहां तक पहुंचने के लिए ना पिवट टेबल की लाश से गुजरना बहुत जरूरी था। मैंने तो पूरी फौज कत्ल करके आया। कोई नहीं, अब मजा ना। 8 लाख 1 हजार आ गया ना, 8 लाख 1 हजार। ये सेल्स निकल आई ना, देखिए तीन चीजें निकल आई। टोटल पिज्जाज भी निकल आए, टोटल चिकन वो भी निकल आई, ऑर्डर्स भी निकल आए, टोटल आपकी वो भी निकल आई, क्या नाम है, प्राइस प्राइस सेल भी निकल आई, प्राइस कैटेगरी वाइज प्राइस सेल भी निकल आई, ऐसे ही है। चले जी, जी। अब ये उठा के ना जरा इधर कुंजे लगा दे, कुंजे ये ऐसे कर दे, छोटा कर ले बिशाक, इसको एक ऊपर लगा दे साइड पे। हम जरा एक और स्टेप कर लो। ठीक है ना, मैं खाना ऑफिस आते खाना खा लूंगा। ठीक हो गया जी? अच्छा चिकन कोरमा जी उसको टाइम नहीं मिलना पड़ता। चले जी, अब आप लोग एक काम करें। क्लास है अब देखो 11 बज गया। अब आप दिमाग की हालत क्या होगी मेरी, आप मुझे उसका अब माइक ऑफ कर ले, कौन है? ये 12 बजे करीब ऐसा हो जाता होता है सर। अभी भी आवाज बंद नहीं हुई, मैं माइक रेहान खान साहब की आवाज है। रियान पीछे मेरा ख्याल अपना वो हॉस्टल में रहता है ना असल में। अच्छा जी, अब आप लोग जाए ऐड अ चार्ट, और आप बार चार्ट ऐड करें सिंपल, ये ऐसे चार्ट ऐड करें बड़ा सारा। तो वो कौन सा आपने किया था, कौन सा बटन दबाया? ठीक ऐड आ चार्ट, है सर। इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो ये बार चार्ट मैं सिंपल लेके आया। ठीक है, सर किसी स्पेसिफिक टेबल को सेलेक्ट करके कर दें। नहीं, ब्लैंक ऐड अ चार्ट सिंपल करें, वो खुद ही उठा लेगा कुछ ना कुछ, हम उसको चेंज करेंगे। उसने मैं डिफॉल्ट पहले वाला उठाया आई थिंक। जो भी उठा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बता दे, ये ग्राफ बन गया आपका? हाँ जी जी सर। अच्छा जी, अब आप लोगों ने काम करना है, जो डायमेंशन है ना, इस डायमेंशन में यहां से उठा के डेट डाल दे यार। जब मेरा तो डेट बाहर आके चला जाता हूँ। कैटेगरी को रिप्लेस करना। हाँ जी, हाँ जी, डायमेंशन में आपने डेट डाल ली। ओके मिस्टर साहब, आपका डन। लैपटॉप चल रहा है? सर ये बाहर चल रहा है, कुछ इशू है बीच में, स्टक हो कौन सा जाता है बटन दबाना है नेटवर्क। सर? ठीक है, ये हो गया जी। डेट पे आप क्लिक करें, इसके साथ कैलेंडर बना रहा है, इसको क्लिक कर दे। यहाँ पे नीचे ठीक है सर। टाइप आ रही है डेट, इसको क्लिक करें। डेट एंड टाइम आ रहा है, डेट एंड टाइम को क्लिक करें, और आगे जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी। सर वो बार चार्ट के बाद से दोबारा से बता देंगे।
दोबारा से बता रहे सर, ये आपके पास डेट आपने डाल ली डिमेंशन में? वो कहाँ डालनी होती है? क्या कैटेगरी डेट उठाए अच्छा। डेट उठाए और डिमेंशन में डाल, ठीक है सर डाल दी। अब इसके साथ ये कैलेंडर बना हुआ छोटा सा सर जी, जी ये आपने इसका डेट रखा था, डेट ऑर्डर डेट कॉलम का नाम नहीं था? नहीं नहीं सिंपल डेट भी तो है ना हमारे पास, हमारे पास ओरिजिनल डाटा में पिज्जा सेल डेट थी तो सही। ये वाला फील्ड, ये ऊपर सेकंड फील्ड डेट आ रही है कैटेगरी के बाद। कैटेगरी डे नेम लिया था मैंने है? नहीं नहीं डे, अब तीसरा जो मैंने ग्राफ डाला है उसमें डेट डाले डायमेंशन, ऑर्डर डेट डाल दी है मैंने, वैसे डेट आ गई है। चलो चले ऑर्डर डेट वही है, ठीक है। डेट के लेफ्ट साइड पे कुछ पेंसिल जैसा बना हुआ आ रहा है, वो बटन दबाना, ये दबा दे सर। उसके बाद आपके पास ये टाइप खुलेगी डेट की, इसको ये तो नहीं खुली है, तो इसमें तो वही आ रहा है काउंट और पता नहीं वो। सर आपने आपने पहले डेट डाली डायमेंशन में? हाँ सर, वो डायमेंशन जो वो मैट्रिक के नीचे मैंने डाल दी डेट, नहीं गलत डाल दी, मैं कह रहा हूँ डायमेंशन में डाले, मैट्रिक में नहीं चाहिए, ऊपर 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 डायमेंशन ऊपर है। एक तो कैटेगरी है डेट है सर, ग्रीन कलर में है सर, स्क्रीन देख ले रहा हूँ। सर ये स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे देख ले, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा सर कहाँ बता, मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन। ये डायमेंशन लिखा हुआ, ये डायमेंशन लिखा हुआ, ये सर्कल घूम रहा है। हाँ इस पे डायमेंशन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से डेट पकड़े और इसमें डाल दे, यहाँ नहीं भी दे रहे यहाँ पे क्लिक कर दे, यहाँ पे डेट आ जाएगी, इसको सिलेक्ट कर ले, ये डायमेंशन में डेट लानी। अच्छा सर एक कैटेगरी भी आ रही है ये। सर अभी सिर्फ डेट चाहिए यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कैटेगरी डिलीट कर दे। शर्जील हो गया, कैटेगरी पे आप कर्सर रखेंगे तो राइट साइड पे क्रॉस का निशान आएगा, उसको दबा दे डिलीट हो। शर्जील हो गया? नहीं मैं अभी देख रहा हूँ उसको, थोड़ा देखना नहीं है, देखने में तो मसला है, करना है, देखने में नहीं आना। आपने पहले तीन टेबल बना लिए थे? जी वो तो बनाए हुए, वो ही देख रहा हूं, वो नहीं देख रहे। अभी ये डेट डालो ना डायमेंशन में और आगे चले हम, 11 बजने लगे। डेट डेट आ गया सर। सर अगर अगर हम शेड्यूल से पीछे हैं तो 11 बज गए हैं, तो सर ये आखिरी ग्राफ का कल सेशन भी कर सकते हैं? नहीं नहीं सर, तौबा करेंगे सर। नेम मांग रहा है वो, नाम मांग रहा है। किस चीज का नाम मांग रहा है? डेट पे आ गए ना तो लेफ्ट साइड पे क्लिक स्क्रीन शेयर करवा ले सर। नहीं नहीं सर वो डेट आ गई है इस पे, मैं मेरी स्क्रीन देख ले सारे अल्लाह दा वास्ता। इस पेंसिल पे क्लिक करें, डेट पे क्लिक करें, डेट एंड टाइम पे क्लिक करें और ये सारी चीजें खुलेंगी। यहाँ से सिर्फ एक चीज सिलेक्ट कर ले, मंथ। जुल्फकर भी वो डेट जहाँ नाम मांग रहा है ना उसके नीचे वाला कॉलम पे कर, यहाँ से मंथ सिलेक्ट कर ले बस, और काम खत्म करके मुझे बता दे कि खत्म हो गया है। अच्छा डेट एंड टाइम के अंदर मंथ सेलेक्ट करना है ना? यस ईयर मंथ, ईयर मंथ है सर, मंथ नहीं है, ईयर मंथ है, सिर्फ मंथ। डन तो नहीं, सिर्फ मंथ। अब वो मेरा भी ईयर मंथ ही आ रहा है सर। देखिए ईयर है, ईयर क्वार्टर है, ईयर मंथ है, आईएसओ ईयर वीक है, मंथ तो है ही नहीं सर। आप आपने नीचे करें नीचे करें ना, अब आपने मेरी स्क्रीन देख ली है, खुदा का खौफ करें फिर इससे बेहतर। दिलकार साहब फिर तो खुदा का खौफ करें, ऐसे ना करें। ठीक हो गया सबका? हो गया जी, ये ऐसे महीने नजर आना शुरू हो गए। हाँ जी
स्टाइल में जाएं। अच्छा सर जी, मैंने इसको किया है, सिलेक्ट तो मंथ ही आ रहा है मेरा, बट ग्राफ में नजर नहीं आ रहा। क्या आ रही नजर आ रहा? ग्राफ में वो ईयर और वही आ रहा डेट एंड, उसमें गया और उस पे मैंने स्क्रॉल करके नीचे क्वार्टर के बाद मंथ आ गया। सर हो गया है, बाकियों का भी हो लेने दो। सर मैंने तो मंथ सेलेक्ट किया है लेकिन डेट आ रही है ग्राफ के अंदर। ये हमारे शीट में तो नहीं मसला। सर मैंने आपको कहा था कि आपने डेट उठा के लेके आनी है, मंथली उठा के लेके आना। तो सर हमने डेट ही लाई है, वो ये अभी हमारे ग्राफ में पता क्या आ रहा है, हाँ जी वो डेट आ रही है नवंबर 27, 2015। मेरे पास भी डेट आ रही है। तो सर वो डेट ही अच्छा आनी थी, इसीलिए तो आपको ये हाँ, स्टेप कराया है कि उसको मंथ सिलेक्ट कर लें। वो डेट को मंथ सिर्फ कर रहे हैं ना, मंथ आ कर रहे हैं गया सर जाके, लेकिन मंथ सिलेक्ट करने के मंथ बावजूद ग्राफ में डेट ही आ रही है। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। स्क्रीन शेयर करें। सर आ गया तो मेरा मंथ, जी सर आना ही आना है कि पॉसिबल ही मेरे नहीं। पास मंथ आ रहा है लेकिन ना वो एक वैल्यू नल दे रहा है। मैंने अपना डेटा सेट भी चेक किया, उसमें तो क्वांटिटी में कुछ भी नल नहीं है। होगी नालक, वो ऐसी नहीं दे सकता। आपने कहीं ना मैं कहीं शेयर कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम, करें सर, मैं करें शेयर करूँ सर अपने करें इंस्टाग्राम। करें सर करें। सर वो थोड़ा देर से अपडेट कर रहा है और कोई रीजन नहीं है। वो ये इंटरनेट है ना, जिसका इंटरनेट स्लो है, अब ये लाइव है, ये कौन सा पिवट टेबल है। वो मंथ खुद ही हो रहा है। अच्छा ये देखिए, ये इसमें ये ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर डेट सर मंथ सेलेक्ट हुआ हुआ। मैंने स्क्रीन बंद ही नहीं की अभी, ठहरे। अच्छा चले आप दिखाएं। हाँ आ रही है आपको, जी ये सर, आप देखिए ये ऑर्डर। इस पे क्यों क्लिक करी जा रहे हैं? हाँ इस पे इस पे इस पे ये है कर, ना हाँ इस पे करना है। हाँ कन्वेंशन। जी डेट अच्छा डेट सर, इधर डेट एंड टाइम सिलेक्ट करें पहले। हाँ जी नीचे आए। ये सर थोड़ी देर पहले भी हो जाना था, स्क्रीन शेयर करके क्यों हुआ है? नहीं, नहीं वो वो मैं टाइम इधर कर रहा था, मैं इधर कर रहा लोग टाइम ले रहे हैं इंटरनेट। मैंने वो फील्ड उसको छोड़ दे आप नीचे, बस ठीक है। हाँ स्क्रीन बस स्टॉप करें, स्टॉप करें। अच्छा जी आखिरी स्टेप कर ले फिर हम क्लोज करते हैं। स्क्रीन नजर आ गई मेरी? में क्या डालना है, क्वांटिटी ही डालनी आप स्टाइल पे जाए, वो क्वांटिटी डली हुई है। स्टाइल पे जाके यहाँ पे बार्स आ रही होंगी 10, इनको कर दे 12। और यहाँ पे लिखा रहेगा शो डेटा टेबल लेबल्स, इसको क्लिक कर दे। और ये उसके बाद सेटअप में आ जाए और यहाँ पे सॉर्ट लिखा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में उसमें बाय डिफॉल्ट कर दिया है। ये आपके पास सभी। बगैर किसी मेहनत के आपके पास सर जुलाई ये जरा जी दोबारा से जल्दी जल्दी बता दें। दोबारा से जल्दी सब देख रहे हैं एक दफा दोबारा से। मैंने टेबल सेलेक्ट किया है, स्टाइल में गया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ बार्स, वो 10 बार्स आ रहे थे, 12 महीने हैं। मैंने कहा मुझे 12 महीने दिखाओ। इसके नीचे ऑप्शन थी शो डेटा लेबल, मैंने इसको ऑन कर दिया है और मैंने बस कुछ नहीं किया। उसने मुझे सॉर्टिंग करके दिखा दी है खुद ही से, सबसे ज्यादा क्वांटिटी किस महीने में सेल हुई है। सबके पास आ गई है? जी सर, जी चल जी यार, चले सिर्फ एक और काम कर दे, आप वापस आ जाए। मैट्रिक में क्वांटिटी आ रही है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है जी, अब ये क्वांटिटी डली नजर आ रही सबको? बस यस सर, जी इस हाँ, बस क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ना प्राइस डाल दे, पी आर, ये प्राइस भी डाल दे क्वांटिटी के साथ।
और उसके बाद आप बस करो, बाकी अब नेक्स्ट सेशन में। जी आगे तो पार्टी शुरू हुई। इसकी डेटा डेटा रेंज डायमेंशन में क्वांटिटी एंड डाला है आपने? नहीं नहीं मैट्रिक में डाटा रेंज में डाटा रेंज में डेट आ गई, वो भी डेट रेंज डायमेंशन है, डाटा नहीं है, वो डेट है। डाटा रेंज डायमेंशन में डेट आ गई सर, वो डेट रेंज डेट रेंज डायमेंशन है सर, डाटा नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सर। डेट रेंज डायमेंशन में डेट आ गई और सिर्फ डायमेंशन में आपकी एक क्वांटिटी आ गई और प्राइस आ गई। डायमेंशन में नहीं, मैट्रिक में, मैट्रिक में सर। बस ये वाला कुछ भी नहीं सर, हुआ तो कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हुआ सर? ये ग्राफ आपके सामने प्रोड्यूस नहीं हुआ सर, आपका हो गया, हमारा तो नहीं हुआ है। प्राइस नहीं डली सर, का इंटरनेट स्लो है सर, प्राइस नहीं डली, ये ग्राफ इस शक्ल में नहीं आया। तो एक ही में दोबारा से डाल देता हूं, वो पता नहीं कहां चली गई। बाकी सब का हो गया? हां जी जी हो गया सर। ये अलग सर, हम स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकते हैं? नहीं वो इतनी जरूरत नहीं, अभी बस हम क्लोज करना चाहते हैं, अगर हो गया नहीं तो... सर असल में हमारा वैसा नहीं आया, एंड वाला प्रोसीजर हमसे थोड़ा बाय मिस्टेक कोई चेंज हुआ है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से रिजल्ट वो नहीं आया जो आपके शो हो रहे हैं। चलो करो फिर स्क्रीन शेयर करो। चले सर जी जी करें, करो ना, मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दी है। जी सर, सर ये आ गए। हाँ तो ठीक है, इसको क्या है, ठीक है सर। आपके वाले नहीं ना आ रहे? ये वही है और क्या है सर, ये पता नहीं यहाँ पे 80 के आ रहा है आपके, हमारे 80 के और क्या इनके ना वो नहीं नहीं इधर आओ नीचे आते जाओ सर, स्लो स्लो आओ, टीम दी सर, आओ आओ आज लॉग स्केल स्केल पे क्लिक करो, ये लॉग्स के ऊपर ऊपर एल ऊपर वाला। ओके सर, तुमने चार्ट कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है? तुम्हारा डेटा सर, ये देखिए मैं सर एक मिनट देखिए जरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बस, मैं ना आपको वो दिखा रहा हूँ जो हमने जहाँ तक हम आपके साथ थे, मतलब आप तो बस ऐसी बातें करते हो, ये हम ना यहाँ तक आपके साथ थे जब तक प्राइस ऐड नहीं हुई। तो ये सही है यार, कुछ भी नहीं गड़बड़ इसमें, ये देखे यहाँ तक हम साथ हैं कि मैं नहीं, इसके बाद चेंजिंग आ जाती है। करो करो ऐड करो सर, मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला 9 बजे छोड़ देता हूँ, एक घंटे स्टाफ रूम में बैठ जाऊँ कि नहीं मेरे से बैठा नहीं जाएगा। ये देखें ये बन जाता है, यार इसको स्क्रॉल करो थोड़ा सा ऊपर, नहीं भाई ऐसी मैं ऑफिस में ऊपर स्क्रॉल थोड़ा स्क्रॉल करो और हाँ मुझे देखने दो ना, तुम्हारे वो ऊपर चार्ट पे क्लिक करो यार, वो जो चार्ट लिखा रहा है, हाँ क्लिक करो, चार्ट भी तुमने सही सिलेक्ट किया, ऊपर से रिफ्रेश करो जरा पूरा पेज। ओके लेफ्ट साइड पे आकर रिफ्रेश का बटन दबाओ। हमारा बच्चा सही, उसने दो दो एक्सिस उसने तुम्हारे बनाए हुए, इस वजह से गड़बड़ हो रही है। तुम लोग ऑफिस में बैठे कर रहे हो? जी सर ये नहीं, चलो इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होता, इसको इसको देख लेंगे, तुम्हारे दो एक्सिस बना रहा है, इसमें बाद में बताऊंगा। स्क्रीन स्टॉप कर दो, शेयरिंग स्टॉप करो। ओके सर, थैंक यू सर, इसको देख लेंगे, मुझे याद कराना सुबह। स्टॉप, ठीक है सर, तो वो याद करा देंगे। अच्छा सर, इससे पहले हमें शीट्स कहाँ से मिल जाएंगी, वो पुराने वाली? वो मैं सुबह मुझे याद कराना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? चलें ठीक है, ओके
ले जी, अब आज का सेशन खत्म हुआ चाहता है, बाकी हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बताएं कि आज के शीट्स तो सेव कर ले सर कहीं किसी को, ये ऑटो सेव है, आप कुछ नहीं होता इसमें, डेटा स्टूडियो भी ऑटो सेव होता है, गूगल शीट भी, जो काम कर लिया वो सेव हो जाता है। ओके चले, अब आप आज वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। आज आप लोगों ने अच्छा मजे की बात तो की नहीं आप लोगों ने, चले बुक खेल के, ये जो आप लोगों ने डैशबोर्ड बनाया है ना, अब ऐसी किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, बस लिंक शेयर करना होता है, दैट्स इट। अब आप लोगों की साइन